गजब की गर्मी है, माहौल गर्म है। अब आजकल ना एक स्कैम चल रहा है, पेट्रोल पंप पे जाओगे तीन स्कैम एक ही जगह पे चल रहा है। तो अपना मैगी बन के हो गया है रेडी। क्या था उसका लप्पू सा सचिन है, फोन पे बात करते हुए कोई मतलब ही नहीं है। छह सात चीजें 26,000 का बिल दिखा दिया। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? सुबह सुबह अपने रूटीन वर्क की तरफ निधि को छोड़ने जा रहा हूँ। अभी को नहीं उठाया, ठंड बहुत हो रही है, वॉक तो नहीं है लेकिन ठंड बहुत हो रही है, इसलिए उसे नहीं उठाया, सोने दिया। क्यों, गाड़ी में बैठ के जाके आना ही है उसे, एक बार बोलता तो उठ भी जाता लेकिन छोड़ दिया। फायदा क्या यार, तो अभी चलते हैं, निधि को छोड़ के आते हैं, फिर जल्दी से वापस आके अपना आधा एडिटिंग बचा हुआ वो करेंगे, फिर आगे का हाल देखते हैं। एनिमल भी बकवास मूवी थी, सुनने में आ रहा है डंकी भी बकवास मूवी है, मतलब उसको खींचा हुआ है, स्टोरी उसकी अच्छी है लेकिन खींचा हुआ है स्टोरी को। सब एड पे चल जाते हैं मूवी, हीरो एडवर्टाइजमेंट सब इस पे ना मूवी चल गए। डंकी मतलब डंकी का जब लोग देख के निकले मुझे रोना आ गया, ये आ गया वो आ गया, ऐसे ऐसे। तो एनिमल में नहीं देखा था क्या हुआ जाके? मुझे तो नींद आ गई सेकंड हाफ में। तो देख तेरे लिए मतलब, अरे मतलब मारधाड़ भी ठीक है, मारधाड़ भी मैं साउथ इंडियन मूवी में भी देखती हूँ, लेकिन मुझे उसकी कोई स्टोरी ही नहीं लगी, कुछ भी नहीं था उसमें। पापा को बचाने के लिए किया भाई जो किया, ठीक है स्टोरी ठीक है जो भी था, पापा को बचाने के चक्कर में चीपनेस दिखा रखी है उसमें। लॉर्ड बॉबी भाई, उस 13 मिनट के सीन से बॉबी देओल इतना फेमस हो गया फिर से वापस अगेन। अब तुम बोलती हो कि क्या था उसका लप्पू सा सचिन है। क्या था वो लप्पू सा? बच्चा निकल गया थी स्कूटी पे, गई थी मतलब स्कूटी पे कौन जाएगा, पागल हो गया। बेटी की चिंता रहती है, दामाद कुछ बोल दे तो बस दामाद की कहाँ, बस ये बोल दिया कि दो चार बाल पक गए हैं, तो बोलती हैं अब नहीं पकेंगे तो कब पकेंगे, और बेटी को बोलते हैं हेयर डाई कर ले। दिख रहे हैं, चिढ़ रहे हो? चिढ़ नहीं रहा हूँ, मतलब दामाद दिन भर स्कूटी में घूम रहा होता, ठंड में कोई फर्क किसी को नहीं, अरे बाप रे स्कर्ट में लड़की घूम रही इतनी ठंड में, वो भी छोटे स्कर्ट में, साफ गजब की गर्मी है, माहौल गर्म है, अब माहौल गर्म है एकदम यहाँ का। ध्यान से चलो आगे गाय हैं। फोन पे बात करते हुए कोई मतलब ही नहीं है, देख ही नहीं रहा है इधर, यही लोग मरवा देते हैं क्या, यही लोग ना गाड़ी में पीछे फॉग में ऐसे, मतलब बंदा कम से कम देख तो लेता है लेफ्ट से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, हमको तो घुसाना, तुम देख लो अपना, ये बंदे लोग ऐसे होते हैं। तो भाई लोग पहुँच गए निधि के स्कूल ऑलमोस्ट, और बस तो 7:20 पे ही पहुँच गई। चलो बाय बाय। बाय बाय कर दिया निधि को, अब चल रहे हैं अपने घर को, क्योंकि अद्विक अकेला है वहाँ, सोता हुआ छोड़ के आ गया था, तो जाते हैं देखते हैं कैसा है। बोला हमसे रोज बोलता रात में सोते वक्त, पापा मुझे उठा देना, पापा के सामने उसकी खूब चलती है, मम्मी के सामने चलती नहीं है, पापा के सारे ऑर्डर चाचमाता है, जब गुस्सा आता तो लग जाता, डरता भी मुझसे ही है ज़्यादा। तो अभी चलते हैं घर जल्दी से, अब हम एंट्री करने वाले हैं इंडिया का बेस्ट ऑफ रोड पे, इससे अच्छा ऑफ रोड इंडिया में कहीं भी नहीं है, दिल्ली के इलाके में जो ऑफ रोडिंग है और कहीं नहीं है भैया। अब हम उछलने लगेंगे थोड़ी थोड़ी करके, जस्ट कुछ ही सेकंड की बात है बस। अब देखो ये देखो भैया, हाई बीम पे क्यों चलाते ट्रक वाला, सब कार वाले के आंखों में पड़ता है, उनको क्या ही फर्क पड़ना है, वो तो भाई ट्रक में बैठे हुए हैं ना, तो ऊपर है, हम हाई बीम भी मारेंगे तो उनके आंखों में नहीं जाएगा। ओके ओ भैया, ऑफ रोड में हम तो ऑफ रोड में, अभी तो स्टार्ट हुआ है ऑफ रोड, थोड़ी दूर है ऑफ रोड,
में तो डर लगता है इस ऑफ रोड में, हमारी गाड़ी की हालत ऐसी है। पहले ठीक करवाएंगे, अभी देख मस्त वाला ऑफ रोड आ गया, गाड़ी एकदम स्लो हो गया है। ऑफ रोड ऐसा लग रहा है बाहर जब गाड़ी से गाड़ी का इंजिना खोल रहा था ना, ऐसा लग रहा है बर्फ में हाथ डाल दिया हूँ। आजकल ना एक स्कैम चल रहा है, पेट्रोल पंप पे जाओगे पेट्रोल भरवाओगे तो चीटिंग करते ही करते हैं। दूसरा जो है आप गाड़ी में हवा भरवाओगे पेट्रोल पंप पे, पहला आंसर उनका है पहला ही है जी हवा नहीं भर रहा है, इसका वाल्व खराब है, इसको चेंज करना पड़ेगा 100-200 रुपए। तीसरा पॉल्यूशन वाले पे जाओगे, पॉल्यूशन वाले कहेंगे जी आपका पॉल्यूशन, आपको तो पता नहीं है पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, उसको ठीक करना पड़ेगा, या तो ठीक करवा के लाओ या तो 20-30 रुपए एक्स्ट्रा दो, मैं ठीक कर देता हूँ इसमें। ये एक स्कैम, तीन स्कैम एक ही जगह पे चल रहा है। फाइनली घर आ चुका हूँ, तो अपना एडिटिंग भी स्टार्ट हो चुका है और भाई साहब अभी सो रहे हैं नींद में, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और अपना काम करते हुए एडिटिंग करते हुए चलते हैं। चाय भी बना चुका हूँ, चाय पीते हुए एडिटिंग करते हैं, 2-2.5-3 घंटे में हो ही जाएगा एडिटिंग कंप्लीट। ठीक है, चल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एडिटिंग करते हैं। तो अपना आज का काम जो है नहा धो के रेडी होके तैयार हो गए हैं, अभी गया नहाने के लिए, जब तक वो नहा के आता है तब तक उसके लिए और अपने लिए मैगी बना लेता हूँ नाश्ते में, बाकी थोड़े बहुत तो कर रखा हूँ काम। जस्ट ऑन, फटाफट करते हैं मैगी रेडी। क्या बना रहे हो? मैगी। नाश्ते में मैगी है? हाँ, नाश्ते में मैगी है। इतने दिनों बाद बना रहे? हाँ सही बात है। अरे हाँ, आप इतने दिनों बाद बना रहे हो? मैं इतने दिनों बाद, अभी तो रिसेंट में बनाया था मैगी। कब? भूल गया होगा, तू जा जा जल्दी से तैयार हो, खाली पैर चल, बड़ा ही नाक में दम कर रखा तूने मेरे। तो अपना मैगी बन के हो गया है रेडी, खाते हैं जल्दी से खाते हैं और फिर एक काम है गाड़ी ठीक करवाने के लिए चलते हैं। कल क्यों नहीं करवाया? कल टाइम नहीं था ना, चलो ये काम करते हैं पहले। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले गाड़ी को एक बार चेक करवाते हैं क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी में इतनी आवाज क्यों आ रही है, एक्सल का प्रॉब्लम है कुछ और प्रॉब्लम है पता नहीं, दिखवाते हैं फिर जो भी होगा फिर सोचेंगे क्या खर्चा पानी आ रहा है, उसी हिसाब से फिर कहीं गाड़ी तो चलाना है ही, गाड़ी तो डेली ही चलता है तो उसी हिसाब से कहीं रिस्क नहीं ले सकते गाड़ी पे ना, स्कूटी पे एक बार रिस्क लिया जा सकता है, चलो भाई स्कूटी कहीं रुक गई तो ऐसे भी आ जाएगा ई रिक्शा पे करके लेके आ जाओ, लेकिन गाड़ी कैसे लाएंगे, क्रेन जितने का खर्चा नहीं उतने का क्रेन ले लेगा। यानी हम चलते हैं पहले गाड़ी दिखवाते हैं फिर आगे की देखते हैं क्या बोलता है वो। तो फाइनली गाड़ी दिखवा के भी आ गया था, लेकिन क्या हुआ ना, दिक्कत प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम जो मेन है ना, उन्होंने पता नहीं क्या क्या, मैं तो एक दो चीज़ को लेके गया था, उन्होंने पता नहीं क्या क्या निकाल के दे दिया, 6-7 चीज़ें, 26,000 का बिल दिखा दिया, लेबर है ये है वो है, 26,000 का बिल दिखाया। हमने भाई साहब रुक जाओ, 26,000 तो नहीं करवा रहा अभी गाड़ी में, करवाएंगे रुक के करवाएंगे जो भी होगा। तो अभी मैं एक और बंदा है जिसे जानता हूँ, वो हमेशा मेरी गाड़ी ठीक करता है लेकिन दूर है, तो उससे पहले सजेशन लूंगा इसमें क्या क्या चेंजेस होने, क्या क्या, क्या कि इसके पास गया तो ये भी खराब है, मतलब एक लाइन से सारी चीज़ खराब बता दिया, मतलब टायर चल नहीं सकता इसके बिना, दोनों आगे पीछे दोनों का खराब है, ये भी खराब हो गया, बेयरिंग भी खराब हो गया, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। मैंने भाई क्या चाहता है, फिर मैंने बोला कि भाई एक दो दिन का टाइम दो, भी सोच के बताऊंगा ठीक करवाना है कि रखना है गाड़ी को अभी, तो उसे तो मैं तो अभी कल फिर से बुलाया हूँ, अब जो अपनी जान पहचान के उनको बुलाया हूँ, वो आएंगे चेक करेंगे फिर बताइए डिसाइड करेंगे क्या करना है अभी, तुझे पता नहीं थी वो 26,000 रुपये बता रहा गाड़ी ठीक करने का, तो हम सब गाड़ी रहने देंगे बाद में कराएंगे, 2-4 महीने पैक कर देंगे गाड़ी को। छब्बीस हजार मतलब गाड़ी से अभी तक गाड़ी इतनी सही चल रही है, चक्कर में कूड़ा अच्छे वाले में डाल गए और अच्छा वाला कूड़ा डाल गए, क्या अच्छा काम कर रही है, मतलब कूड़ा जहाँ डालना था वहाँ साग डाल दिया, जहाँ साग डालना था कूड़ा डाल दिया, पहली बात तो साग नहीं है, पालक साग। मम्मी से बात करते हुए कम वक्त चाय निकल गई, किसने बोला था, कॉन्सेंट्रेट से किसी पे करो काम पे, चाय किसने, मेरा मेरे को दिमाग में 10 काम चल रहे हैं सर, क्यों क्या चल रहा है, बोल आधा एक दो काम बोल कर दूं तेरा, अरे क्या बोलूं, बोलो आटा गूंद नहीं सकते, हाँ। रोटी बना नहीं सकते, रोटी तो बना सकते, रोटी में फिर वही वो लफड़ा ग्लव्स पहन लेंगे, रोटी ये भी बना लेगा, सुनो हाँ, बना तो सभी लेंगे बस बनाते ही नहीं है हम, हाँ। आप बनाने देते नहीं हो गैस को,
आटा वाटा कम्बल काज कुछ भी नहीं। निधि मोबाइल लिया, मोबाइल निधि मोबाइल। मैं पागल हो जाऊंगी, इसको तो है नहीं। मुझे पागल कर रहा है। देखते करते क्या है, उसको तो रिसाइड करेंगे। पहले अभी खाना पीने के देखे क्या कर रही है निधि, और बाकी पता नहीं गाली से बोल बैठी मुंह से क्या बोल बैठी। सब्जी के लिए तो मैंने थोड़ी बोला था, मैं तुमसे थोड़ी कह रही हूँ, मैं अपने ही मुंह से तो कह रही हूँ। मेरे मुंह से गलती से निकल गया। कितना सारा काम करवाती है मुझसे, कितना सारा काम करवाती है। हेडफोन लगाओ ठीक है। मुझसे बोले कि हेडेक हो रहा है, तो मैंने हेडफोन में गाना चला के दे दिया उसे। सुनो और एंजॉय करो, फिर काम करो, मजा आएगा। तो मैं सुन रही आराम से हनी सिंह को। इस बच्चे को पढ़ने के लिए बोलो तो पढ़ाई छोड़ के सारा काम करेगा। देखो कैसे पढ़ रहा है, यहाँ ये सारी बुक फैला रखा है पेजेस। अभी और दिखाता हूँ, ये देखो ये सारा ही फैला रखा है। वहाँ कुछ डाल रखे हैं, यहाँ डाल रखा है, यहाँ डाल रखा है, मतलब पूरे घर में अपना बुक फैला रखा है पढ़ने के नाम पे। कर क्या रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, फोटो खींच रहा है पता नहीं किस चीज़ की। हो भाई पढ़ ले नहीं। अभी बोलता हूँ मम्मा को, बोलता हूँ रुक। नहीं कर रहा निधि, पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, बोला पढ़ाई नहीं कर रहा। आ रही हूँ। देखो क्या क्या कर रहा है, देखो 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 क्या कर रहा है, देखो ये पढ़ाओ। अपना खाना आ चुका है, पालक पनीर और रोटी। तो मस्त मस्त पालक पनीर और रोटी खाते हैं, तो मस्त मस्त पालक पनीर और रोटी खाते हैं, तो मस्त मस्त पालक पनीर और रोटी खाते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ पालक पनीर। निधि थोड़ी सी बिजी रहती है ना, आजकल कम बनाती है, आज भी बहुत टाइम लग गया उसको बनाने में, सोच रही थी क्यों बना रहा हूँ। तो खाते हैं पालक पनीर, हेल्दी हेल्दी सब्जी हो गया ना घर का बना हुआ। मम्मा चलो पहले खाते हैं, फिनिश करते हैं, डिनर करते हैं, फिर मिलते हैं। तो डिनर अपना डन हो गया और रात को बज चुके हैं 10:10। तो अब ऐसा करते हैं भगवान को पहले सुला देते हैं। गुड नाइट भगवान जी, गुड नाइट, सो जाइए। तो भगवान जी को सुला दिया हूँ, अब करते हैं निधि का। निधि अपना काम कर रही है किचन में, ये रहो अभी भी काम कर रही है, तो अभी इसे टाइम लगेगा। फिर अभी भी इसको स्कूल का काम करना है, उसके बाद अभी इन भाई साहब का खाना ही नहीं खत्म हुआ, इनको बस अभी टीवी देखना है, खाना खत्म हुआ नहीं है, अभी भी टीवी देखना है। सुबह से टीवी देख रहा है, अभी भी टीवी देख रहा है, मतलब छुट्टी आ गई है उसके बाद ये टीवी पढ़ाई के नाम पे 2 मिनट पढ़ाया, तो वो कैसे खोल के चला गया है, पढ़ा नहीं है पूरी तरह से। तो अभी इसी वजह से डांट भी सुन रहा था, हम बोल के थक गए हैं, मैम बोल के थक गए, सुनता नहीं है थोड़ा भी, बोलो तो मुंह बनाएगा। रात को बज चुके हैं 11 और रात की 11 बजे, देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, अभी कुछ रखने के एक चेकिंग, एक का चेकिंग कर रहा, मतलब माँ पे भी बेटा भी जाएगा, बेटा भी टीचर ही बनेगा, बड़ा इंटरेस्ट में रहता है सब चेक करने में, मार्क्स चेक करना है क्या किसको कितने है, किसी को मार्क्स काटने नहीं देता ये। एनी हाउ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। वीडियो पसंद आए तो भी लाइक करना, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जैसे जैसे मैं ग्रो करूंगा ना, नए नए लोकेशन पे जाना शुरू करूंगा, बहुत सारी चीजें मैं सोच रखा हूँ, लेकिन अभी रिस्ट्रिक्शन है इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, एक दो नहीं बहुत मल्टीपल चीजें हैं जो नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो एनी हाउ इस वीडियो को इसलिए यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मेरे पुराने ब्लॉग्स भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हैं, तो दिल्ली का सारा ऑलमोस्ट कर ही दिया हूँ, थोड़ा बहुत जो बचा वो भी मैं कर दूंगा, जो बचा हुआ है तो वो भी आगे करके कर दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।